सबसे पहले इस तरह का शेप बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? वेरी सिंपल, आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके शेप पे एक सर्कल लेना है, जैसे हमने ले लिया 300 बाय 300 का, ओके, ये एक सर्कल बन गया। अब क्या करना है कि ये एक सर्कल समझे, ये वाला हो गया। अब इस सर्कल का हाफ सर्कल कितना होगा? अगर ये 300 तो 150 बाय 150 का एक इसका हाफ होगा, ये दूसरा सर्कल हो गया, ठीक है। इस सर्कल के दो कर लेने हैं, दो कर लिया आपने। अब इस सर्कल को दो करने के बाद यहाँ पे हमें इनकी करनी है अलाइनमेंट। कैसे करनी है अलाइनमेंट? तो देखें, जब आप दो शेप को या तीन शेप को एक साथ सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट ऊपर एक्टिवेट हो जाता है। और वैसे विंडोज में जाके यहाँ अलाइनमेंट का अपना एक पूरा पैलेट भी है, इसको भी यूज कर सकते हैं, ऊपर भी आ रहा है, यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। ये कैसे काम करता है? जैसे कि अगर हम ये तीन शेप सेलेक्ट करें और हम इसको कहें सेंटर, तो तीनों एक दूसरे के सेंटर में आ जाएंगे। लेफ्ट करेंगे तीनों लेफ्ट पे चले जाएंगे, राइट करेंगे तीनों राइट पे चले जाएंगे। अगर हम तीनों या दोनों शेप को सिलेक्ट करके एक को बेस बनाए, तो बेस कैसे बनेगा? उस पर क्लिक करना होगा। वेदर इसको बेस बनाया तो ये सिलेक्ट हो गया। अब हम राइट करेंगे लेफ्ट करेंगे तो इसके मुताबिक ये दोनों शेप लेफ्ट पर आएंगे, सेंटर करेंगे तो इसके मुताबिक ये दोनों शेप सेंटर में आएंगे, इसको बेस बनाएंगे तो इसके मुताबिक दोनों शेप सेंटर में आएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये शेप इस तरह से होते, फॉर एग्जाम्पल ये इस तरह से, तो हम इनको सिलेक्ट कर लेते और इसको बेस बनाते, तो फिर हम इसको ऐसे सेंटर करते तो ये ऐसे सेंटर हो जाते, ठीक है। इसको ऐसे बॉटम करते तो ये सारे बॉटम पे चले जाते, इसको क्लिक करके अगर हम टॉप करते तो ये इसके हिसाब से ऊपर आ जाते। तो ये सारी चीजें इस तरह से हो सकती है। इसी तरह से अगर स्पेसिंग की बात की जाए, तो अगर ये स्पेस इनका बराबर करना है, सबको सेलेक्ट कर लिया, इसको बेस बनाया, तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से सेंटर किया और स्पेसिंग कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, तो ये सेंटर में आ गए। और अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसके बराबर वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये लेफ्ट पे चला गया, इस पर क्लिक करता हूँ तो राइट पे चला गया, इसको क्लिक करने पर सेंटर में आ गया बिल्कुल, ठीक है। तो ये इनका स्पेस दोनों का एक साइड से इक्वल हो गया, सेम वर्टिकल पे इस तरह से अप्लाई होगा। तो अब ये दो शेप मैंने बना लिया, पहले मैंने इन दोनों शेप को सिलेक्ट किया, इसको बेस बनाया और इसको मैंने इसके राइट किया और इसको मैंने इसके टॉप पर सेट कर दिया, ठीक है, सेंटर करके टॉप पर सेट कर दिया। फिर इसको क्लिक करके शेप के साथ इसको बेस बनाया और इसको राइट करके इसको बॉटम पे कर दिया, ये दो शेप इस तरह से निकल आए। अब उसके बाद 300 का तो एक शेप था, तो मैंने दोनों को सिलेक्ट किया यहाँ पे और शेप बिल्डर पे क्लिक किया और ये ऐसे कर दिया और इसको ऐसे कर दिया, ये इधर ज्वाइन हो गया, वो उधर ज्वाइन हो गया, और इस पर भी क्लिक कर दिया और इस पर भी क्लिक कर दिया, और ये दो अलग अलग भी हो गए। पहले दोनों को ज्वाइन किया और दोनों को अलग अलग भी कर दिया। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, एक और शेप बनाया यहाँ पे इस तरीके से, और इसको क्लिक करके यहाँ पर इसको कलर दे दिया, सपोज भी व्हाटएवर जो भी कलर देना है आपको। देने के बाद आपने इसको लाके इसको यहाँ पे रखा, अब सेम यहाँ पे चाहिए था, तो यहाँ पे अब यूज करेंगे रिफ्लेक्शन को और इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे, और अल्टर के साथ यहाँ क्लिक किया मैंने इसको और वर्टिकल पर रिफ्लेक्शन दिया और कॉपी दे दिया, तो सेम ऊपर नीचे एक ही प्लेस पे दोनों जगह पे सेम जगह पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। अब इससे बड़ा एक शेप बनाना था 350 बाय 350 बाय का, इससे बड़ा एक मैंने ऊपर सर्किल बना लिया और उसको क्लिक करके मैंने क्या करना था, इसके सेंटर में लाना था। अभी तीन, एक दो तीन चार ऑब्जेक्ट है तो सेंटर करना मुश्किल है, सबको सेलेक्ट किया, राइट बटन दबाया, ग्रुप कर दिया, और उसके बाद इसको सेलेक्ट किया शिफ्ट के साथ, इसको सेलेक्ट किया, इसको बेस बनाया और इसको लेफ्ट राइट और टॉप बॉटम सेंटर कर दिया। करने के बाद इसको राइट बटन दबाया, अरेंजेस में गया, टू बैक कर दिया, तो ये देखिए हमारा शेप निकल आया। अब उसके बाद इसको राइट बटन दबाया, अनग्रुप कर दिया। अब इसको कोई भी ग्रेडियंट लगा दो यहाँ से और इसको कोई भी ग्रेडियंट दे दो यहाँ से, या जो आपको अच्छा लगता है वो कलर इसमें डाल दो, तो ये उस तरह से बन जाएगा। ये देखिए हमने ये शेप परफेक्टली इसके अंदर से बना लिया, ठीक है। अब आते हैं एक दूसरे शेप के ऊपर जो हमें इसके अंदर बनाना है। जैसे ये वाला आपने शेप बिल्डर के जरिए बनाया, एक और शेप हम बना सकते हैं शेप बिल्डर के जरिए है।